दोस्तों फाइनली आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके ऑफिशियल रिजल्ट आरआरसी ग्रुप डी वाले जारी करवा दिए गए हैं। ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स भी ग्रुप डी का आ चुका है। तो आइए पूरी अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई करनी है, देखिए इनके तरफ से अभी बहुत अच्छी डील मिल रही है और लास्ट टाइम ये ऑफर है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ईयरली टेस्ट टू पास मात्र आप लोग 269 रुपए में बाई कर सकते हो। इसके लिए बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करना होगा NEW, तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो, SSC के भी काफी सारे मॉक टेस्ट दे सकते हो, बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो इसको आप लोग बाई कर लीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने आरआरबी भोपाल जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और सबसे पहले आरआरबी भोपाल जोन की ऑफिशियल रिजल्ट ग्रुप डी वाली जारी करवा दी गई है। धीरे धीरे सभी जोन के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए CA नंबर RRC 1/2019 22/12/2022 के डेट में रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CA 1/2019। यहाँ पे देखिए सबसे पहले है नोटिस ऑन रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, तो यहाँ पे नोटिस है। इसके बाद लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यहाँ पे रिजल्ट है और कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे जारी करवा दिए गए हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो ये रही इस जोन की रिजल्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल। यहाँ पे देखिए CA RRC 1/2019 लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया गया है कि कब से कब तक आपका यहाँ पे एग्जाम चला था। इसके बाद जो छात्र शॉर्टलिस्टेड किया गया है PET के लिए उनका रोल नंबर यहाँ पे दिया गया है और टोटल 3 गुना वैकेंसी के छात्र का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। इसके बाद यहाँ पे साफ साफ बोले गए हैं कि जो PWBD वाले कैंडिडेट हैं और जो एक्स सर्विस में वाले छात्र हैं उनका लिस्ट में नाम नहीं है, क्योंकि इनका PET होता नहीं है, इनका PET माफ है। तो बाद में जब DB और मेडिकल के शेड्यूल आएंगे उस समय इनका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ऑल कैंडिडेट कैन ऑल्सो व्यू दियर परसेंटाइल स्कोर, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स एंड शॉर्टलिस्टिंग स्टेटस फॉर PET। परसेंटाइल स्कोर भी देख सकते हो, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी देख सकते हो और शॉर्टलिस्टिंग स्टेटस PET के लिए हुआ है या फिर नहीं, सारा कुछ लिंक जारी करवा दिया जाएगा। और लिंक कब से एक्टिव होंगे, तो 27/12/2022 से 18 बजे शाम से लिंक एक्टिव हो जाएंगे और 1/1/2023 तक एक लिंक एक्टिव रहेंगे, जहां से सारे छात्र अपना अपना स्कोर कार्ड और सारा मार्क्स यहां पे देख सकते हो। इसके बाद देखा जाए तो PET के बारे में बताया गया है कि सभी RRC जोन द्वारा PET की डेट यहाँ पे जारी करवाई जाएगी और शेड्यूल बाद में जारी करवा दिए जाएंगे। यहाँ पे जो भी छात्र का सिलेक्शन हुआ है उनके लिस्ट में रोल नंबर कुछ इस प्रकार से है। देखिए, रोल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर Level 1 ग्रुप डी के लिए, तो यहाँ पे जितने छात्र भोपाल जोन से है वो छात्र अपना अपना यहाँ पे मिला लीजिएगा। देखिए RRC वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर वाले छात्र का रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है, भोपाल जोन भी कह सकते हो इनको। यहाँ पे बहुत सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ है। लिस्ट में टोटल बात करें लास्ट में, तो देखिए टोटल यहाँ पे कैंडिडेट की बात करें तो 10,743 छात्रों को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कर लिया गया है। तो जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है फ्रेंड्स PET के लिए, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे अब कट ऑफ मार्क्स हम लोग देख लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स इस जोन की ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स, देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल यहाँ पे CA RRC 1/2019 कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। यहाँ पे दो तरह से कट ऑफ आए हैं, एक तो परसेंटाइल स्कोर निकला है और इसके बाद नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, जैसा कि इन्होंने नोटिस निकाल के बता दिया था कि परसेंटाइल स्कोर के बाद हम लोग नॉर्मलाइजेशन भी अब करने वाले हैं। तो परसेंटाइल के तौर पर कट ऑफ आए गए हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो निकाले गए हैं इसके बेसिस पे थोड़ा कम ही कट ऑफ देखने को मिले हैं। इसमें सबसे पहले बात करें ओपन कैटेगरी में अनरिजर्व कैटेगरी की, तो देखिए यहाँ पे परसेंटाइल के बेसिस पे जो कट ऑफ गए हैं वो 96.64962 गए हैं। SC कम्युनिटी की बात करें तो 87.05 गए हैं परसेंटाइल के तौर पे। ST में बात करें तो 83.62 गए हैं। OBC में 93.44 गए हैं और EWS में बात करें तो 79.24 गए हैं। वहीं नॉर्मलाइजेशन की बात करें, नॉर्मलाइज होने के बाद तो कट ऑफ कुछ इस प्रकार से रहे, 65.87560, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स है फ्रेंड्स। इसके बाद SC की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन के बाद एक कट ऑफ रहे 49.33। ST की बात करें तो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स ए रहे हैं 44.84 और यही नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स है, इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ है, यही इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लगी है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे। देखिए OBC की बात करें तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स यहां पे गए हैं कट ऑफ 58.53। EWS की बात करें तो 14 मार्क्स यहां पे मात्र कट ऑफ गए हैं, जो कि मिनिमम चाहिए होगा। एक सर्विसमैन की बात करें तो परसेंटाइल 80 गए हैं, SC की बात करें तो 68, ST की बात करें तो 69, OBC की 69 और यहां पे बाकी का मेंशन नहीं है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात करें एक सर्विसमैन में तो इनका गया है 41 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद, SC का 30 नंबर, ST का 31 नंबर और OBC का 30 नंबर, यानी मिनिमम नंबर पे तो इनका सिलेक्शन हो ही जाता है। तो ये रही फ्रेंड्स कट ऑफ मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ही मेन है, इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लगी है।
अब बात करें दोस्तों नोटिस की, तो ये यहाँ पे नोटिस जारी करवा दी गई है जो कि सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए सेम टू सेम नोटिस रिजल्ट के रिगार्डिंग जारी की गई है। देखिए नोटिस आया है, रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट बेस्ड ऑन दियर परफॉर्मेंस, जैसा कि परफॉर्मेंस रहा है और इस डेट से इस डेट के बीच में इनके एग्जाम चले थे। इसके बाद देखिए कैंडिडेट कितना सिलेक्शन लिया है, तो कम्युनिटी वाइज जितनी वैकेंसी जिस जोन में थी वहाँ पे 3 गुना छात्र का सिलेक्शन किया गया है, PWD और एक्ट अप्रेंटिस वालों को छोड़कर, क्योंकि इनका PET नहीं होता है तो इनको अभी नहीं लिया गया है रिजल्ट में, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल छात्र को UR, OBC, SC, ST, EWS वाले छात्र का सिलेक्शन अभी हुआ है। इसके बाद देखिए जो PWD वाले छात्र हैं उनको PET माफ किया गया है, एग्जेम्प्टेड है, हेंस देयर रोल नंबर आर नॉट इंक्लूडेड, इसलिए PWD छात्र का रोल नंबर यहां पे नहीं दिखाई देगा। अकॉर्डिंगली द कट ऑफ परसेंटाइल्स को नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ PWD कैंडिडेट शैल बी पब्लिश्ड अलोंग विद द रिजल्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो जब DV होगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आएगी तभी जो दिव्यांग छात्र PWD वाले होंगे उनका कट ऑफ मार्क्स आएगा और उनका लिस्ट में नाम आएगा। तो ध्यान दीजिएगा अभी PWD वाले छात्र को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, जिनका PET होने वाला है उनके लिए यहां पे रिजल्ट जारी की गई है। अभी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप की बात करें तो इनको भी PET में एग्जेम्प्टेड मिला है, यानी कोई PET इनका होगा नहीं, इसलिए ये सारे भी छात्र हैं इनके लिए भी साफ साफ बता दिया गया है कि जब यहाँ पे DV के लिस्ट आएंगे तभी एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्र का भी जो मार्क्स होगा, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, परसेंटाइल मार्क्स, सब कुछ यहाँ पे बताए जाएंगे बाद के दिनों में, जैसा कि बाद में एक नोटिस भी आई थी इसके रिगार्डिंग, सब कुछ यहाँ पे बताए गए हैं। इसके बाद ऑल कैंडिडेट्स कैन व्यू दियर परसेंटाइल स्कोर, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स एंड शॉर्टलिस्टिंग स्टेटस फॉर PET बाय लॉगिंग इन थ्रू द लिंक, यानी कि अपना परसेंटाइल स्कोर, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स और शॉर्टलिस्टिंग स्टेटस सब कुछ देख सकते हो आप लोग, जो कि लिंक है एक्टिवेट करा दिया जाएगा 27/12/2022 से 18:30 बजे और 1/1/2023 तक ये लिंक एक्टिवेट रहेंगे, तो सारे RRC जोन के छात्र इस लिंक पे क्लिक करके अपना अपना 27/12/2022 से नॉर्मलाइज मार्क्स सारा कुछ स्कोर देख सकते हो। इसके बाद द कंडक्ट ऑफ PET डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन पब्लिश्ड ऑफ पैनल फॉर Level 1 शैल बी कैरिड आउट बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, इसके बाद सारे प्रोसेस RRC द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे, PET के लेकर आपके ज्वाइनिंग तक के सारे प्रोसेस आपके RRC द्वारा किए जाएंगे, जिसमें सभी RRC जोन का इस तरह से अपडेट दे दिया गया है। देख लीजिएगा नेम ऑफ RRB अहमदाबाद है तो ये आता है वेस्टर्न रेलवे में मुंबई, और इसके बाद इसका वेबसाइट कुछ इस प्रकार से है। तो आगे के जितने भी प्रोसेस होंगे दोस्तों अब इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा रिजल्ट आने के बाद, इसी सारे वेबसाइट पे जिस जोन से आप लोग हो तो इसी वेबसाइट से आपको सारा कुछ अपडेट अब आपको मिलने वाली है आगे के दिनों में। अकॉर्डिंगली द PET शेड्यूल, सभी जोन का जो RRC जोन का जो PET शेड्यूल होगा वो बाद में जारी करवा दिया जाएगा और SMS ईमेल के थ्रू भी बता दिए जाएंगे, और सारे RRC जोन का जो वेबसाइट आप लोग देख रहे हो इसी वेबसाइट पे सब कुछ आपको अपडेट बाद में दिए जाएंगे। तो ये रही अपडेट, जल्दी से आप लोग रिजल्ट चेक कर लीजिए, जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ जरूर बताइए, और जैसे जैसे और जोन के रिजल्ट आते हैं अपडेट आते हैं तुरंत इन्फॉर्म करूंगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।